खुद ब्लॉगिंग देख ली है कि जी हम घर में रोटी खा रहे हैं जी, अब ये हो गया हम चाचा जी को गिफ्ट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ठीक है। आपने बहुत फुद्दू व्लॉग देखी है, अब ये देखिए इसमें कंटेंट है यार, मजा है, आप देखिए बातें बहुत बढ़िया है, ठीक है। बस लाइक सब्सक्राइब करें और सब गाइस वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं नाभा साहब दोबारा, क्योंकि भाई हम रोज जाते गुरुद्वारे और गुरुद्वारा जाना बहुत अच्छा। और ये बुलेट चला रहे हैं हमारे। हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपके? आपको व्लॉग हमारे अच्छे लग रहे हैं कि नहीं? आपको व्लॉग अच्छे लग रहे हैं कि नहीं? हमको वैसे ही आपको बेकार लग रहे हैं, ये बताइए आप सर। अब तो मैंने कमेंट भी ऑन करवा दी है, कमेंट करके बताइए व्लॉग कैसे लग रहे हैं। और आप सबको हमारी जोड़ी कैसे लगती है ये बताइए, अच्छी लगती है बुरी लगती है? सो गाइस आप घर जाके मैं आपको दिखाऊंगा। भाई अब जा रहे हैं, ये देखिए रास्ते में इतने खड्डे आ गए ना, इससे सिस्टम मिल जाता है नीचे से ना सारा। खड्डे में रास्ता है जी, हाँ ये खड्डे में रास्ता है, रास्ते में खड्डा नहीं, खड्डे में रास्ता। आपको पता ही है कि ये पंजाब में सड़कों की क्या हाल चाल है, पता ही है। वो तो आपको मूछें कैसी लग रही है हमारी? मूछां दी गुलाई चेक कर, मूछ दी गुलाई चेक कर। दोस्तों आप बताइए मूछें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप बताइए कमेंट करके। होनी चाहिए ना। वो तो ये जो पीछे बैठा ये दाढ़ी कटवाता रहता है, मैंने इसको कितनी बार बोला कि दाढ़ी ना कटाएगा, लेकिन ये खुर्च देता है, दाढ़ी खुर्च बिल्कुल नीचे लगवा देता है। गाइस देखिए अब मैंने बढ़ा रखी है, अभी कुछ नहीं कटवाया ना, कटिंग या उस तरह से कुछ नहीं लगवाया मैंने, झाटे कटवा रखी है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? क्या याद आ रहा है, आ रही होगी मीदी आती इसको देखिए। अरे वो फलूदे वाला दोस्तों, ये जब भी फलूदे की रेडी के पास से निकलता है तो उसको वो वाली मेम याद आती है जो कहते हैं ना कि चार फूदा कर दे भैया, चार फूदा, इसको वो याद आ जाता है। चार फूदे वाला गाइस यार बाबा की आवाज़ आ रही है आपके लिए, देखिए कितनी हम मेरे तो मुशक्कत करते हैं, बाइक चलाते हुए भी हम व्लॉग बनाते हैं, आप हमें सपोर्ट किया करो यार, सब्सक्राइबर बना दो, कमेंट करो, अच्छा लगा बुरा लगा गालियाँ दे लो कुछ भी कर लो, लेकिन कमेंट करो, व्यू आ दो, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। अरे यार यहाँ जाम लग गया है, अरे रुका क्या, ट्रक ही ट्रक खड़े हैं, ये देखिए बसें खड़ी हैं, ट्रक खड़े हैं, सब्सक्राइबर मिल गए हमें, देखिए सब्सक्राइबर आ गए हैं, ये देखिए वो हमारे फैंस बहुत बढ़ चुके हैं, इतने तगड़े फैंस हमारे। अरे यार यहाँ से मुड़ना पड़ेगा, ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही हो गया है, ट्रैफिक जाम हो गया यहाँ पे यार, बहुत ज़्यादा जाम हो गया यार, लगता खुल गया जाम, खुल गया लगता है, दोबारा देखा क्या खुल गया, जाम खुल गया। तो ये बहुत डबल मीनिंग बातें करने लग गया, ये बिगड़ गया बच्चा, बिगड़ गया हूँ ये, वो बिगड़ गया, ये इधर बंदा बना देंगे हमें भैन जो। गाइस अब थोड़ा जाम खुल गया, बिगड़ गया तो हमने थोड़ा चैन की सांस ली है। ये क्या वाइब्रेट हो रहा है? ओ मेरा फोन। गाइस 2 मिनट फाइनली निकल चुके हैं जाम में से, तो जाम से निकल के हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं अपनी जिंदगी की तरह। तो ये बहुत ब्रेक मार रहा है यार, ये कौन है यार, ये मैनुअल अंडर कौन है, ये ब्रेक की मारी जा रहा है, गाड़ी रोको इसकी, लगाओ सामने लगाओ, नहीं यार बदमाशी नहीं करती भाई, हमें सिर्फ ब्लॉकिंग करनी है, बदमाशी नहीं करते सर, हम बदमाशी नहीं करते जी, हमें बदमाशी नहीं करते, और हमसे साहू बंदा कोई है ही नहीं यहाँ पे, आप इसकी बातों में मजा आइए, मुझे झूठा बदनाम कर रहा है, ये मेरे से जेलसी करता है, हाँ ये मेरे से जेलसी करता है, दोस्तों देख लो आप कैसे कैसे बंदे हैं आजकल। चलो अब आके आपको दिखाते हैं गुरुद्वारे पहुंच के दिखाते हैं, ठीक है, फल स्वीट्स के पास कुछ मिठाई लेने, अब मिठाई लेके फिर बताएंगे। बहुत ज़्यादा जाम है, हम अपना पिंड में से निकल के जा रहे हैं, पिंड कर रहे हैं, देखिए अपना थोड़ा पंजाबी बोलिए यार, पंजाबी बोल सकते हैं अपना दोस्तों,
अब हम जा रहे हैं पीड़ में से निकल के, और ये मुझे लग रहा है यहाँ पे पीड़ में भी जाम है थोड़ा सा, थोड़ा चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे मिट्टी बहुत उड़ रही है, लगता है हमारी फेस ब्यूटी खराब होने वाली है, बहुत बुरा हाल हो चुका है मिट्टी की वजह से। ये गाड़ी वाले गलती आई जा रहे हैं, देख रहा हूँ कर रहे हैं, आशिकी मार रहे हैं, आशिकी मार रहे हैं, लड़का लड़की लगे हुए हैं आपस में। ये देखिए दोस्तों ये क्या लिखा है, खरीदे तो क्या खरीदेंगे बताइए, कमेंट करके बताइए, मीम को कमेंट करिए। हम पिंड में आ गए हैं, देखिए नाभा पिंड है, नाभा समझ रहे हो ना, समझे हो समझे हो, वो तो आप पिंड में आ चुके हैं, पिंड में यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, हमें बहुत परेशान कर रहे हैं ये, बहुत फैन फॉलोइंग हो गया है, बस शुक्र निकल आने वाले हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब सब्सक्राइबर है, मैं यहाँ पे नहीं जी सकता। क्या बहुत गरीब है, गरीब लोग यहाँ पर रह नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ से निकलना चाह रहे हैं 5 मिनट के अंदर। फैन जाए, हेलो 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 हेलो, ये सारे अपने फैन। हमारा भाई बताओ कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया ना। गुरुद्वारे पहले हम यहाँ देखिए, पीर जी की जरा बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका मत्था नहीं लगेगा। और कमेंट करके बताइए कितने लोग रोज़ गुरुद्वारे जाते हैं, मैं तो जी रोज़ कोशिश करता हूँ जाने की, लेकिन कभी कभी हो जाता है स्किप करते हैं। बड़ी मेहनत मशक्कत करके यहाँ पे पहुँच चुके हैं नाभा साहब, अब यहाँ पे मत्था टेकने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे पीर की दरगाह पे मत्था टेकोगे तभी आपका मत्था लगेगा, नहीं तो आपका मत्था यहीं फूट जाएगा हाईवे पे। मत्था उड़ी टेक रही है, देखिए जोत रही है, फिर हम ऐसे ले लो सही उसको वाइज, हमने मत्था टेक लिया है और अब हम जाएंगे गुरुद्वारे, ठीक है, फिर आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ मैं। ये खड़े हैं अभी हम जाएंगे, ये हमारा हंटर देखिए, कमेंट करें तो ये हंटर का कलर कैसा है, क्या आपको कौन सा रॉयल एनफील्ड का मॉडल पसंद है बताइए। ये देखिए सो गाइज, हम फाइनली पहुंच चुके हैं गुरुद्वारे, ये देखिए गुरुद्वारा कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ के बहुत शांति मिल रही है, यहाँ की वाइब भी कुछ और है, पॉजिटिव वाइब आती है यार। दोस्तों आप भी अगर कोशिश करो, जब भी आप जरूर आओ तो नाभा साहब जरूर आओ, ये बहुत अच्छा और माना हुआ गुरुद्वारा है। सो गाइज अब हम मत्था टेक ले, अंदर फोन अलाउड नहीं है, अभी हम मत्था टेक रही है, देखिए जोत रही है, फिर हम हमने मत्था टेक लिया है और अब हम जाएंगे गुरुद्वारे, ठीक है, फिर आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ मैं। अब हमने मत्था टेक लिया है, हम मत्था टेक के वहाँ निकल चुके हैं घर की तरफ, अब जूते डाल लें वहाँ जाके। दोस्तों आज एक इसने बहुत बहादुरी का काम कर दिया है, कल रात हमारी स्कूटी चोरी हो गई थी, आई रात मैं ढूंढता रहा मुझे मिली नहीं है, लेकिन इस शख्स ने देख लीजिए इसको ध्यान से, इस शख्स ने सुबह 10 बजे जाके वो स्कूटी ढूंढ ली है, और उस बंदे को कूटा दबा के, और उस बंदे को भी दबा के कूटा है ये, इतना और इसने इसके दांत मारे, इसके दो दांत है ना आगे वाले चूहे की तरह है मनु के, इसने दांती मारी उसके दांती। ये तो बताओ जो मैंने उसको कूटा यार, इसने कूटा भी उसको बहुत है, ये ज्यादा हो गया थोड़ा। जो सारी जिरकपुर पुलिस नहीं कर पाई ना, वो इसने सुबह 10 बजे उठते सारी कर दिया, स्कूटी ढूंढ दी है बेंच सिस्टम है भाई, लेवल है लेवल 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 दान देख लीजिए इसके, नहीं वैसे तो ये लड़का तो सोना है, ये देखिए गाइस कितना ग्लो कर रहा है, ये देखिए शर्मा गया है, ये देखिए बस करें अब मेरे को ना दिखाएं, अब अपनी शक्ल दिखाएं, नहीं मेरी शक्ल देखने लायक नहीं है। तो गाइस अब हम मत्था मुत्था टेक के आ गए सारा, और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, ये देखिए ये डाकू बन चुके हैं, डाकू देख रहे हैं आप वीडियो को, डाकू नंगल सिंह, नंगल सिंह डाकू, डाकू नंगल सिंह, आज ये पक्का किसी का वो करेंगे, कत्ल करेंगे आज। दोस्तों आप हम घर जाके आपको दिखाते हैं हमारा वार्डरोब, हमारे वार्डरोब में 80 पक्के हैं, 80 टर्बन्स हैं, और
बहुत बड़ा कलेक्शन है भाई साहब। और हमारे पास शर्ट्स की कलेक्शन है बहुत ज्यादा, शूज की कलेक्शन है बहुत ज्यादा, जीन्स की कलेक्शन है बहुत ज्यादा। मतलब पूरी दुकान खोल रखी है यार। आपको वार्डरोब दिखाएंगे कि वार्डरोब में हमारे क्या क्या है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू। ये है बॉस स्टाइल। यहाँ पे बहुत बढ़िया कपड़े मिलते हैं, A1 क्वालिटी के कपड़े, बहुत बढ़िया। मैंने काफ़ी कपड़े लिए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी इनकी। ज़रूर आएंगे, अपने यार मित्र ही हैं बस, अपने दोस्त हैं। जोशी बार, आपका दोबारा इससे क्या कहना है इसके? मेरा तो ये कहना है कि सबको टाइम पे शादी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। अभी इनका मास्क लगा हुआ है, जब आप इसका इनका मास्क उतारेंगे तो इनकी खुशी आपको पता लगेगी। तो इनकी सड़ी हुई शक्ल देखेंगे आप, मेरी सड़ी हुई शक्ल। बंदे ने इतनी फीस बता दी, फिर मैं गया ही नहीं। फिर मैंने कहा दबा के खाओ और पेट देख देख लो आप कहाँ जा रहे हैं। मेरा दोस्तों, वो 5000 फीस मांग रहा था। अगर हम 5000 का खाएंगे तो हमें कितना लगेगा देखोगा? अब जूस पियेंगे, शेक्स पियेंगे और थोड़ा खाना भी अच्छा खाएंगे तो कितना लगेगा हमें? 5000 जिम वाले को देखे क्या करेंगे, और पतले हो जाएंगे। पतले हो गए भी फायदा नहीं है, जिम तो हम घर पर भी कर सकते हैं। और वैसे जिम में कुछ होता नहीं है, लेकिन बंदे के मुक्के में जान होना चाहिए, वो मुक्के में जान हमारी पूरी है। जैसे आज हमने बंदा घूटा, उसने हमारी एक्टिव को चुरा दी, इतना सूता उसके नील पा दिए जी, फिर पुलिस में दे दिया उसको। और वहाँ पे मनु ने उसको दांदी मारी, दांदी दांदी। हेलो, हाँ तो ये क्या, ये काड़ू बड़ा फोन कर रहा है यार। हाँ काड़ू आ रहा यार, उसको ब्लॉक की टेंशन हो गई है, देखिए कॉल कर रहा है कब से। दोस्तों हमें सब्सक्राइबरों के फोन आ रहे हैं, हमारे जो पक्के हमारे सब्सक्राइबर है ना, उनकी हमको फोन आ रहे हैं कि यार तुम ब्लॉग क्यों डाल रहे हो, तुम ब्लॉग क्यों डाल रहे हो, तुम लेट क्यों हो गए हो। तो मैं उनको समझा रहा हूँ, मैं उनको समझा अपने के मेरे फैंस हैं जितने भी हैं, उनको समझा रहा हूँ भाई थोड़ी देर वेट करो, ब्लॉग आ रहा है, बहुत अच्छा ब्लॉग आएगा, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो वो अपना शांत होकर बैठ गए हैं, जैसे शाहरुख खान भी आते बाहर अपने मंदिर के बाहर आते हैं ऐसे ऐसे करके सबको बिठाते हैं बैठ जाओ, वैसे ही हम अपने सब्सक्राइबर को बिठाते हैं भाई। जब देखिए आपने काफ़ी ब्लॉगर देखेंगे, कोई कंटेंट नहीं, चूतों की तरह घूमते रहेंगे बस। अब हमारे ब्लॉग देखो, इतने बढ़िया ब्लॉग, फुल एंटरटेनिंग, गालियाँ वालियाँ सब बढ़िया, वेज कंटेंट भी है, सारा कुछ मिक्स है। और मेरी बात सुनिए, मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार तू गालियाँ देता है, गालियाँ देता है। तो मैं अपने जो मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे कोई रिलेटिव हैं, कुछ कोई कुछ भी है, उन्हें बता दे रहा हूँ, हम सिर्फ कंटेंट के लिए हम सिर्फ गालियाँ दे रहे हैं, बाकी हमारे मन साफ है, बिल्कुल साफ है, आपको पता ही है, ठीक है। देखिए रहे हैं आपके, ये देखिए कालू आ गए, अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा थोड़ा रोशनी में, रोशनी में आइए, थोड़ा कालू रोशनी में आइए। ये देखिए जॉन अब्राहम बन रहा है, ये देखिए हाफ स्लीव डाल के, ये कौन सी होती है, स्लीवलेस डाल के, ये देखिए भाई। जब हम पहुंच गए घर पे और आज आपको दिखाएंगे हमारा वार्डरोब, पग पुग सब दिखाएंगे। और ये देखिए अब बैक नहीं हो रहा क्या मेरा, अरे यार ये आईफोन से शूटिंग कर रहे हैं, पैसा ज्यादा आ गया ना। गाइस पग की कलेक्शन देखिए, ऐसा कोई कलर नहीं है कि जो यहाँ ना अवेलेबल हो। इतने कलर्स तो लड़कियों को भी नहीं पता होंगे जितने कलर्स हमारे पास हैं। ये देखिए 75-80 पग्स हैं। ये देखिए LV का बैग, और ये देखिए पग है। और ये देखिए इतना भंडारा लगा रखा है, अभी तो ये एक बंदे का है, मेरा तो दूसरे घर है, आपको पता ही है मैं दूसरे घर रहता हूँ वहाँ पे। आपने कालू जी का वार्डरोब देख लिया, फिर तो आप हैरान ही रह जाएंगे। क्या है आपके वार्डरोब में, कच्चे इतने हैं दो? गाइस ये देखिए कैसा लग रहा हूँ मैं, आउटफिट बताइए कैसा लग रहा है मेरा, तगड़ा लग रहा है कि नहीं? कालू जी कितने हैंडसम लग रहे हैं आज। कालू जी बताइए कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। बढ़िया है। ये पेपर किसका कल? मैथ्स। कल पेपर खत्म? खत्म। मैथ्स का कुछ आता है आपको? हाँ जी। चलो इसकी मैथ्स की तैयारी तो कर ही ली, शुक्र है। कुछ तो करा कालू जी आपने, नहीं तो आप कहीं कुछ नहीं करते। भाई ये देखिए ये जो फेस वॉश है ना, ये लगा के ना बड़े बड़े काले गोरे हो गए। दिवजोत ने जब ये लगाया ना गोरा हो गया वो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये लगाइए। और आपको मैं उसके मुंह की लाली दिखाता हूँ, ये जो जब से ये यूज करने लग गया ना बहुत ग्लो मार रहा है वो। ये जो आपने हमारी पग शर्ट वगैरह का सारा कलेक्शन देख लिया, और
ये देखिए बच्चे क्या देख रहे हैं, ये पढ़ कम रहे हैं, टीवी ज्यादा देख रहे हैं। ये देखिए जाएंगे ढाबे पे, क्योंकि हमारे जो चाचू हैं वो अब ढाबे पे हैं, क्योंकि अब उनका टाइम हो गया जाने का, ढाबे पे ड्यूटी है उनकी, तो वहाँ चले गए, वो बिजी थे, तो फिर हम यहाँ आए हुए। तो वही गाइस सोफा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना कालू जी। ये देखिए अब धोई, कालू जी ने मुंह धो ही लिया, ये देखिए ये धो के ही माने आज। ये देखिए अब गोरे ही लग रही है, ये देखिए बिल्कुल इज्जत नहीं है, बच्चे भी इसको कालू बोलने लग गए। ये देखिए गाइस आपने कहीं सुना उसने कालू बोला? कालू क्या कौन है? कालू कह रही है वो। जा रहे हैं ढाबे पे, फिर आपको ढाबे पे जाके दोबारा मिलते हैं, स्टेट ट्यून्ड, ठीक है। अब हमारे ढाबे पे तो हमको मिल गया हमारे फॉलोअर मतलब सब्सक्राइबर्स मिल गए, और सब्सक्राइबर हमें वही बेइज्जती करने लग गए हमारी, जो हमारी बेइज्जती करनी है। देखिए इन्होंने हमारी इतनी बदनामी करा रखी है कि हम वो नाम से फेमस हो गए, इसको कालू कालू बोलने लग गए कि कालू आ गया। इसको कह रहे मोटा पोना सरदार। ये देखिए मैं लंबा फैन यार, पता है इससे क्या पता लग रहा है, वो ना एक एक वर्डिंग सुन रहे हैं हमारी व्लॉग की, और इससे लग रहा है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप भी इंटरेस्ट लिए, और तगड़े व्लॉग दिए। और ये भी हमारे फैन है। सब्सक्राइब करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्लॉग को शेयर कीजिए, आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है ये बताइए, और शेयर करते रहिए आगे से आगे शेयर करते रहिए, और बेल आइकन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पूरा ब्लॉग देखिए, पूरा ब्लॉग देखिए, बहुत एंटरटेनिंग है, मज़ा आ जाएगा और ऊँचे चढ़ाते हैं हमारी तरह।